अपन जर्नल एंट्रीज पे बात करेंगे। आज जो अपना मेन फोकस रहेगा वो रहेगा नॉमिनल एंट्रीज पे, या जो कहे नॉमिनल अकाउंट का रूल। कि सर क्या देखो, अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीन तरह के अकाउंट्स हुआ करते हैं। तो अब जैसे जर्नल, तो नॉमिनल अकाउंट अपना थर्ड टाइप का अकाउंट है। उसमें क्या होता है, एक्सपेंस हो तो डेबिट करो, लॉस हो तो डेबिट करो, इनकम हो तो क्रेडिट करो, किसी तरह का गेन हो, मुनाफा हो तो क्रेडिट करो। अब ये होगा कैसे, ये अपन होता हुआ अब देखेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे कुछ एंट्रीज, पुरानी नई हर तरह की। सबसे पहले लिखा है कंप्यूटर परचेज्ड। तो कंप्यूटर परचेज्ड क्या हुआ, कैश गया, कंप्यूटर आया, जो गया उसे सी आर करो, जो आया उसे डी आर करो। तो आंसर क्या हुआ, कंप्यूटर अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सम तरीका होता है एंट्री को समझने का। मतलब मैं आपको एक अलग रूल से समझाता कि देखो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक रियल अकाउंट है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है। मैं ऐसे नहीं बता रहा, जो हो रहा है अपन पहले उसे होने देते हैं और फिर बाद में उसके रूल की एप्लीकेबिलिटी भी देख लेते हैं। सो मैं जल्दी से बोलता हूँ, कंप्यूटर परचेज में कैश गया, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री है। दूसरी नई एंट्री, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर एट द रेट 10%। तो सर डेप्रिसिएशन क्या, देखिए आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो पुरानी हो जाती है, पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, नहीं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये जो वैल्यू कम होना होता है ना, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो अब मैं पूछूं वैल्यू कम हो जाना प्रॉफिट है या लॉस है, यू विल से सर ये लॉस है। अगर ये लॉस है तो ये डी आर होगा, जी हाँ लॉस होगा तो डी आर होगा, यही अपना थर्ड रूल है। तो डेप्रिसिएशन डी आर होगा और वैल्यू किसकी कम हो रही है, कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर नीचे आएगा। यानी अपन कह देंगे कंप्यूटर की कुछ वैल्यू गई, तो आंसर हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू कंप्यूटर अकाउंट। हालांकि कंप्यूटर सी आर होने का ये सही रीज़न नहीं है, वो मैं आपको बाद में, एक असेट लायबिलिटी अप्रोच होता है, असेट लायबिलिटी अप्रोच वो बताऊंगा, तब आपको रियल रीज़न समझ में आएगा कंप्यूटर क्रेडिट क्यों हुआ। अभी के लिए है समाचार ये है डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू कंप्यूटर अकाउंट, ये रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्नीचर परचेस्ड। सर सिंपल है, फर्नीचर कम्स, कैश गोज, आंसर होगा फर्नीचर अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर एंड अ क्लेम ऑफ 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब क्या हुआ, हमारे फर्नीचर में आग लग गई। कि सर ऐसे कैसे लग गई, अरे लग गई अब यार, हो गया जो हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, फर्नीचर में आग लग गई और हमें इंश्योरेंस कंपनी से 20,000 ही मिल पाया, क्योंकि 30,000 का फर्नीचर था, 20,000 ही मिल पाया। तो दो चीज़ें एक साथ हुई हैं, पहला कैश कम्स, फर्नीचर गोज एंड देयर इज़ अ लॉस ऑफ 10,000। अब अपन को ऐसी एंट्री बतानी कि ये तीनों चीज़ें आ जाए। तो कैश कम्स डी आर, लॉस डी आर, फर्नीचर गोज फर्नीचर सी आर। तो एंट्री ऐसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डी आर, लॉस बाय फायर अकाउंट डी आर टू फर्नीचर, ये रहा आंसर। कैश अकाउंट डी आर, लॉस बाय फायर अकाउंट डी आर टू फर्नीचर अकाउंट। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को पॉज कर दिया करो, पॉज करके जब रेड में लिखा हुआ है क्वेश्चन उसका आंसर बनाने की कोशिश किया करो और फिर जो रियल आंसर आया उससे मिलाया करो, गलत गया तो उसको लिखा करो, गलत या सही अभी तो तुम्हें रजिस्टर भरने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। हमें पता है, रोज हम बोल रहे हैं, एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक बिज़नेस रिलेटेड एक्सपेंस और एक जो बिज़नेस के ओनर हैं, मैं खाली उसे ओनर बोलूँगा, ओनर के पर्सनल एक्सपेंस। तो जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ये ओनर का पर्सनल मैटर है। पेमेंट हुआ है तो कैश गया है, तो कैश तो गया तो कैश तो आएगा नीचे, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए वर्ड आएगा ड्रॉइंग्स। कि सर ये आप कल बता चुके हो, बिल्कुल मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आंसर होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डी आर टू कैश। नेक्स्ट वन, रेंट पेड 2,000 रुपी आउट ऑफ विच 500 इज़ फॉर हाउस एंड बैलेंस फॉर शॉप। ध्यान देना, हमने 2,000 रेंट पे किया, इसमें से 500 घर का है, तो 500 तो हो गया पर्सनल एक्सपेंस, 500 पे तो लिखेंगे ड्रॉइंग्स, और बैलेंस यानी जो बचा हुआ 1,500 है वो है रेंट यानी बिजनेस एक्सपेंस। इस एंट्री में भी इन्होंने क्या किया, बिजनेस एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस को मिक्स कर दिया, तो तीन चीज़ें हो रही है, पर्सनल एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट। तो आंसर हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट डी आर, रेंट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज
कि सर आपने रेंट पहले लिख दिया, DR में आप पहले आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स 200 एंड वैट सेल टैक्स 800 पेड। 200 रुपये इनकम टैक्स पे हुआ है, इनकम टैक्स शॉप पे नहीं लगता, शॉप कीपर पे लगता है, दुकान पे नहीं लगता, दुकान के ओनर पे लगता है। हजम नहीं होगा लेकिन ये बात सच है, दुकान जो होती है ना वो पैसा कमाने का जरिया होता है, पैसा कमाने का तरीका होता है, दुकान केवल एक तरीका है। इनकम तो किसकी है? दुकानदार की। तो इनकम टैक्स भी किसका है? दुकानदार का। तो ये क्या है जी? पर्सनल एक्सपेंडिचर है। तो ड्राइंग लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट DR, सेल टैक्स अकाउंट DR टू कैश, कैश गोज। तो ड्राइंग और सेल टैक्स दोनों DR हो जाएंगे। चलिए ये रहा आपके सामने आंसर, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट बात करते हैं। पेड फॉर कैरिज, हमने गाड़ी वाले को 30 रुपये दिए, कैश गोज, तो कैश आएगा नीचे, तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा कैरिज। वाई कैरिज? कैरिज इज एन एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एज पर द थर्ड रूल। तो आंसर होगा कैरिज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे पहले आंसर देख लो, कि आपको एंट्री भी आनी चाहिए और एंड ऑफ द डे आपको एंट्री के पीछे जो रूल अप्लाई हुआ है वो भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज गेव अवे एज चैरिटी कैश रुपीज 101। बिल्कुल 101 रुपये सुनते ही लग रहा है कि किसी को दान अपन दे रहे हैं, 101 रुपये इन्होंने दान दिया। वॉट हैपनिंग? आप सोचो तो आप दुकान बैठे हैं, एक बाबा जी सामने से निकले, आपको दया आ गई, 101 रुपये आपने निकाल के दे दिए, तो कैश गया, कैश गोज, कैश आएगा नीचे, ऊपर आएगा चैरिटी या डोनेशन। तो आंसर विल बी चैरिटी अकाउंट DR या डोनेशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ये रहा आंसर, चैरिटी या डोनेशन टू कैश। नेक्स्ट इज परचेस्ड पोस्टेज। वैसे तो पोस्ट ऑफिस का जमाना गया, पर फिर भी आप पोस्ट ऑफिस गए और आपने वहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प जो होते हैं, स्टैम्प टिकट होते हैं, वो आपने खरीदे, तो कैश गया, तो कैश तो आएगा नीचे, ऊपर आएगा पोस्टेज। आंसर होगा पोस्टेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। कि सर इतनी सिंपल सिंपल एंट्रियाँ? बिल्कुल जी, सिंपल सिंपल ही हैं, अकाउंट्स में तो मुश्किल कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1800 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 120। लाइट का बिल आया, आपने पे किया, तो कैश गया। अब इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये घर का बिल है, तो हम क्यों माने ये घर का है? तो ये दुकान का ही है, है ना, बिजनेस एक्सपेंडिचर है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल की जगह चार्जेस आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस DR बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस DR। मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब छोटा मोटा, आप दुकान बैठे हो, जूस के गिलास मंगा दिए, कचोरी समोसा मंगा दिया, मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है। तो आंसर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट DR, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए जी उसके बाद अगला आ रहा है एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल। ये अब चार ट्रांजेक्शन जो आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, वो चारों एक दूसरे की चेन में है, देखिएगा इसको। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल, हमारा एक कस्टमर है, उसने हमें 2000 एडवांस भेजा, तो कैश कम्स DR, रामलाल गिवर। आंसर हो गया कैश अकाउंट DR टू रामलाल। जो लोग समझते नहीं है वो रट्टा लगाते हैं एडवांस DR, एडवांस CR, नहीं ऐसा नहीं, ईजिली एडवांस रिसीव, कैश कम्स फ्रॉम रामलाल, रामलाल गिवर, कैश अकाउंट DR टू रामलाल, ये रहा आंसर। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू रामलाल, अब हमने रामलाल को सामान बेचा, बात हो चुकी है क्रेडिट पे है, हमने समझ लिया इस बात को, रामलाल को सामान बेचा तो सेल आ जाएगा नीचे, सेल्स में हमेशा सेल नीचे आता है, और रामलाल रिसीवर, रामलाल ऊपर, रामलाल अकाउंट DR टू सेल्स। नेक्स्ट रामलाल बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड अ पेमेंट वाज रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 25 पैसा इन द रुपी। अब हमें ये हुआ कि रामलाल दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अभी वैसे ही महामारी चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं। हुआ क्या था कि हमने 10,000 का सामान बेचा था, 2,000 एडवांस आए हुए थे, 8,000 का बैलेंस था, रामलाल दिवालिया बोलते हैं हिंदी में, दिवालिया हो गया, इंग्लिश में बैंक्रप्ट बोलते हैं, बैंक्रप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो बैंक्रप्ट होने पे क्या होता है, सारी प्रॉपर्टीज़ कोर्ट के पास चली जाती है, सारी प्रॉपर्टीज़ कोर्ट के पास चली जाती है, और कोर्ट सबको थोड़ा थोड़ा पैसा देता है, मुझे 25 पैसा मिला आउट ऑफ अ रुपी, यानी 25% आई कुड रिसीव। तो 8,000 का आप 25% निकालो, वो होता है 2,000, ठीक है। तो 2,000 हमें मिला कैश कम्स, 6,000 का नुकसान हुआ, लॉस DR, मैं आज का लेक्चर इसी पे है कि लॉस DR होते हैं, एंड रामलाल इज द गिवर। सो आंसर कैसे बनेगा, कैश अकाउंट DR, बैड डेट्स अकाउंट DR टू रामलाल। किस तरह समझ नहीं आया, कैश कम्स DR, लॉस
का नाम है बैड डेब्ट्स, बैड मतलब बुरा, बैड डेब्ट्स DR, और रामलाल है ये पैसा देने वाला या दुख दर्द देने वाला, रामलाल ही रामलाल आ जाएगा। तो आंसर हो गया कैश अकाउंट DR, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू रामलाल अकाउंट। सर उसके बाद क्या लिखा है, लिखा है कैश रिकवर्ड फ्रॉम रामलाल विच वॉज अर्लियर बिकम बैड डेब्ट्स 1000। अब मान लो 2 साल बाद 4 साल बाद किसी गली मोहल्ले में आपको रामलाल मिल गया, आपने उसे 2-4 गालियाँ सुना दी क्योंकि वो 6000 खा के भागा था आपके, तो उसको शर्म आई, उसने कहा सर मैं 1000 रुपये और दे सकता हूँ, मैंने कहा दे दे। अब यहाँ देखो पेंच है, कैश मिला हाँ जी, और रामलाल से मिला, रामलाल गिवर है, लेकिन यहाँ ये रूल नहीं लगेगा। देखो आपको जो पैसा मिला है वो आपकी नज़र में डूब चुका था, लीगली वो पैसा डूब चुका है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, फिर भी 1000 रुपये मिल गया तो ये इनकम है, तो इनकम क्रेडिट होती है एज पर द थर्ड रूल, इनकम क्रेडिट होती है। तो अब यहाँ आंसर आएगा कैश अकाउंट DR टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये बहुत एक कॉमन एरर है, लोग इसका लिख देते हैं आंसर कैश अकाउंट DR टू रामलाल, बट सिंस इट्स अ बैड डेब्ट्स रिकवरी, ये रिकवरी है, तो आंसर होगा कैश अकाउंट DR टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो थोड़ा याद रखिएगा ठीक है। चलिए 2-3 एंट्रीज और हैं। कमीशन पेड, कमीशन पेड कैश गया, कैश आएगा नीचे कमीशन आएगा ऊपर, कमीशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। उल्टा देखें, कमीशन रिसीव, अब के बार हमें कमीशन मिला, कमीशन मिला तो कैश आया, आया DR, तो आंसर होगा कैश अकाउंट DR टू कमीशन ठीक है। नेक्स्ट रेंट पेड, रेंट आपने पे किया तो कैश गया, कैश नीचे रेंट ऊपर, रेंट अकाउंट DR टू कैश। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड, हमें रेंट मिला तो कैश आया, कैश ऊपर रेंट नीचे, कैश अकाउंट DR टू रेंट। कि सर जो ऊपर है उसे नीचे लिख दें या नीचे वाले को ऊपर लिख दें, तो गलत ही हो जाएगा, यही तो चीज़ है। आप देखो अभी जैसे कमीशन टू कैश और कैश टू कमीशन, तो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो तो कैश और कमीशन है, तो लोकेशन ही तो मैटर करती है कि DR में आएगा कि CR में आएगा। जैसे मैथ्स में कभी मैटर करता होगा प्लस होगा कि माइनस होगा, वही तो है। अब वही कोई बोले सर प्लस की जगह माइनस हो गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या पूरा ही गलत हो जाएगा, तो इसीलिए है ना। वापस जल्दी देखो, कमीशन पेड में कैश गया, कमीशन रिसीव में कैश आया, रेंट पेड में कैश गया और रेंट रिसीव में कैश आया, उसी अकॉर्डिंग एंट्रीज बनेगी ठीक है बेटा। चलिए आखिरी 4 एंट्रीज, सैलरी पेड 5000 एंड टेलीफोन बिल पेड 3000, तो हमारा कैश गया, कैश आएगा नीचे और सैलरी और टेलीफोन चार्जेस ऊपर, सैलरी अकाउंट DR टेलीफोन चार्जेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ऑडिट फीस पेड, ऑडिट फीस सर हम अकाउंट्स बनाते हैं और उसको चेक करता कोई CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो उसको चेक करता है, हम उसको फीस देंगे। फिर सुनिए, अकाउंटेंट अकाउंट बनाता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको चेक करता है ठीक है, तो कैश गया, कैश आ जाएगा नीचे, ऑडिट फीस आ जाएगा ऊपर, ऑडिट फीस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट इज बैंक मेड पेमेंट फॉर आवर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दो चीज़ें समझने की है, बैंक ने पेमेंट किया तो बैंक बैलेंस गया नीचे, बैंक आएगा नीचे, और ये पर्सनल एक्सपेंसेस तो ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू बैंक। नेक्स्ट इज बैंक हैज पेड शॉप रेंट एज पर द इंस्ट्रक्शंस, हमने 4800 रुपी पे किया है हमारे बैंक ने, हमने उसे कह रखा है, यानी हमें याद नहीं रहता, इसलिए अपन ने बैंक को, जैसे आजकल एक वर्ड होता है ऑटो डेबिट, ऑटो डेबिट में अपन ने तारीख लिख दी, 5 तारीख को 4800 रुपये देने हैं, तो बैंक ऑटोमेटिक पेमेंट कर देगा, पेमेंट करते ही बैंक बैलेंस आ जाएगा नीचे, बैंक आएगा नीचे, ऊपर आएगा रेंट, तो आंसर होगा रेंट अकाउंट DR टू बैंक ठीक है। चलिए अभी हो गई है एंट्रीज, अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने PPT में सुने हैं, वो हमें कितने समझ में आए, हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। Question 8, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, तो आप जर्नल बनाते हैं, आप जानते हैं जर्नल प्राइमरी बुक होता है, ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले उसे रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड फर्नीचर, बीइंग एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट होने के नाते हमने देखा कि ओनर जो होता है जिनका नाम राम है, उन्होंने बिजनेस के अंदर कैश गुड्स
और फर्नीचर लगाया, ऑल दीज थिंग्स कम्स टू द बिजनेस. जो आता है वो DR होता है. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, जहां हमने धीरे धीरे इन बातों को समझा है. व्हाट कम्स डेबिट, तो कैश कम्स कैश डेबिट, स्टॉक कम्स स्टॉक डेबिट, देन फर्नीचर कम्स फर्नीचर डेबिट, और इसके बाद यहां आएगा टू कैपिटल. तो ओनर जो पैसा लगाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश गुड्स असेट, वो सारा कंबाइंड कहलाता है कैपिटल. तो 25,000, 15,000, 10,000, ठीक है. मैं आपको एक अजीब सा एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए कि अगर आप गैम्बलिंग के लिए बैठे हैं, जुआ खेलने बैठे हैं, तो भी आप पहले एक बार पैसे गिन के बैठते हैं, दैट इज़ कितने पैसे मैं लेकर बैठा, और बाद में आप कितने पैसे लेके उठोगे, और जो गैप होगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा. सिमिलर वे अकाउंट्स में भी हम एक लीगल है, गैम्बलिंग इलीगल हो सकता है और यहाँ पे तो इलीगल है. तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो वी शुड नो ना कि हमने कितना पैसा लगाया, तो कैपिटल उसको इंडिकेट करता है. नेक्स्ट, ओपन द बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 5,000. हमने बैंक अकाउंट ओपन किया और ऑब्वियस सी बात है कि मिनिमम अमाउंट तो जमा कराओगे, तो आपका कैश गया. तो जो जाता है वो क्रेडिट होता है, और जैसे ही आप अकाउंट में पैसा जमा कराओगे, बैंक बैलेंस गोज ऊपर. सी द प्रीवियस वीडियो, तो बैंक ऊपर, तो बैंक को जगह DR, तो बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. ओके, नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सागर चंद 4,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट. अब हमने गुड्स परचेज किया, व्हेनेवर, जब भी आप गुड्स परचेज वर्ड आता है ना, तो आप परचेज DR कर दिया करो. क्यों DR कर दें सर? तो गुड्स कम्स आने वाला DR होता है, और जहां पे भी नाम आता है ना कि हमने इनसे खरीदा, तो सागर चंद इज द गिवर, तो गिवर पर्सन को क्रेडिट करेंगे. तो परचेज अकाउंट DR टू सागर चंद. अब जैसे 4,000 की ट्रांजेक्शन है और 5% की डिस्काउंट है, तो आप इसमें डिस्काउंट लेस कर दो और आपके पास फिर बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा 3,800. तो हमने गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट DR टू सागर चंद. नेक्स्ट, पेड टू सागर चंद 3,750 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. ध्यान से बातों को पढ़ो. हमने सागर चंद को पेमेंट किया, हाँ. 3,750 किया, हाँ. चेक से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट करने से आपका बैंक बैलेंस जाएगा नीचे, तो बैंक आएगा नीचे. हमने हमेशा कहा है कि फुल सेटलमेंट वर्ड का मतलब डिस्काउंट का इंडिकेशन होता है, तो डिस्काउंट आएगा. डिस्काउंट का इंडिकेशन इसलिए होता है कि देखो, 3,800 का बिल था, जो हमने माल परचेज किया था वो 3,800 का था, एंड नाउ यू आर पेइंग 3,750, तो बाकी 50 का क्या, क्या हम वो फ्यूचर में देंगे, या हमने सेटलमेंट कर दिया? तो क्वेश्चन कहता है हमने सेटलमेंट कर दिया, मतलब निपटारा कर दिया, तो इसलिए आपको डिस्काउंट लिखना पड़ेगा. इन दिस केस डिस्काउंट रिसीव्ड है. बाकी इन दोनों का लोकेशन एक जैसा होता है, ये दोनों या तो डेबिट में होते हैं या दोनों क्रेडिट में होते हैं. कैश के साथ भी इसका यही प्ले होता है, यानी डिस्काउंट जो होता है वो साथ साथ चलता है. अब हमने सागर चंद को पे किया, तो सागर चंद आ गया ऊपर, तो सागर चंद अकाउंट DR टू बैंक टू डिस्काउंट. इन दिस वे एंट्रीज टू बी डन. नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमेश एंड चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. हमें चेक मिली और चेक हमने तुरंत बैंक में भेज दी, तो बैंक बैलेंस आएगा ऊपर. मैं फिर कहूँगा, रियलिटी में तो चेक के जमा होने में टाइम लगता है, लेकिन जहाँ तक अकाउंटिंग का मैटर है, हमें चेक मिला और चेक हमने बैंक भेज दिया ना, और चेक हमारे हाथ से चला गया, तो कहाँ चला गया? बैंक में. तो बैंक बैलेंस गोज ऊपर. एंड चेक कहाँ से मिला? रमेश से. तो बैंक अकाउंट DR टू रमेश. रूल्स को समझने के साथ साथ आप की एंट्री इस चीज को डेफिनेट आंसर करनी चाहिए, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई इट इज हैपनिंग. यानी जैसे बैंक बैलेंस ऊपर गया तो क्यों गया? ड्यू टू रमेश. तो 1,000 की आप लिखेंगे बैंक और 1,000 रमेश. ठीक है, जनरल वगैरह का फॉर्मेट तुम बना लेना, उसमें मैं टाइम खराब नहीं करूंगा आपका. नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर. अब हमने पुराने न्यूज़पेपर बेचे, तो सर क्या होगा? एक तो कैश कम्स और एक आपका वो जो रद्दी पेपर था, दैट गोज. ठीक है, तो कम्स कम्स तो होता है DR, तो कैश अकाउंट DR.
टू, आप यहाँ चाहे तो ओल्ड न्यूज़पेपर लिख सकते हैं कि कैश इज कमिंग एंड ओल्ड न्यूज़पेपर इज गोइंग आउट, बट आप रियल समझिए कि ओल्ड न्यूज़पेपर का जो सेल है वो हमारे लिए एक तरह की इनकम है, बहुत ही पैटी इनकम है, बहुत ही छोटी इनकम है, बट इनकम तो है, तो उसको आप नाम दे सकते हैं सन्ड्री इनकम या सन्ड्री रिसीप्ट्स। तो आपको ये वर्ड यूज़ करना है, दैट विल बी साउंड प्रॉपर, कैश अकाउंट डी आर टू सन्ड्री रिसीप्ट 100 रुपी, नरेशन नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट, चेक ऑफ रमेश डिसऑनर्ड, अब हमें रमेश का ये जो चेक मिला था 5 तारीख को, 2 दिन बाद वो चेक डिसऑनर हो गया। मैं पहले भी बताया कि जब भी चेक डिसऑनर होता है तो आप ओरिजिनल ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर दो, मानो ये ट्रांजेक्शन कभी हुआ ही नहीं था, तो रमेश आ जाएगा ऊपर और बैंक आ जाएगा नीचे, तो एंट्री इज गोइंग टू बी लाइक दिस, रमेश अकाउंट डी आर टू बैंक, एंट्री रिवर्स हो गई, ठीक है। तो और अमाउंट की भी चिंता नहीं करनी, आपका 1000 रुपये का चेक है, अगर सच पूछो ना तो ये दो एंट्री को आप कंबाइंड देखेंगे तो इसका मतलब है जीरो इम्पैक्ट हो जाएगा, इस एंड जीरो इम्पैक्ट, मानो कभी चेक मिला ही नहीं था। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स में हमेशा सेल आता है, सेल हमने किया है नरेश को, डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस होता है, कुछ बातें हमेशा होती हैं उनको याद कर लिया करो, जैसे सेल है तो सेल हमेशा सी आर होता है क्योंकि सेल में गुड्स जाता है, और हमने सेल किनको किया, नरेश को, तो नरेश डी आर हो जाएगा, तो नरेश अकाउंट डी आर टू सेल। वेल, हमने जो सेल किया है वो 4000 का है और 5% इसमें से लेस करेंगे, तो अब ये 3800 आ जाएगा नरेश टू सेल। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता, ना डी आर होता है ना सी आर होता है। नरेश रिटर्न गुड्स, अब हमने यहाँ सेल किया और उसने गुड्स वापस कर दिया, तो आप ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर दो, सेल्स ऊपर आ गया, नरेश नीचे आ गया, लेकिन आप एक सेल रिटर्न अकाउंट ओपन करेंगे, एक हम नया अकाउंट ओपन करते हैं फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन, ताकि हमें पता लगे कितना गुड्स वापस आ जाता है, और ये ज़्यादा आना वैसे अच्छी बात नहीं है क्योंकि इसका मतलब गुड्स में कंप्लेंट है। तो 1000 रुपये का माल वापस आ गया, लेकिन इसमें से आपको 5% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है क्योंकि 1000 रुपये उसका MRP है, 1000 रुपये उसका लिस्ट प्राइस है, तो जब हमने सेल किया था तो हमने लेस कम प्राइस कम कर दिया था, तो वापस लेते हुए भी कम करके ही लेंगे ना, पूरे भाव पे क्यों लेंगे, तो 1000 में से 5% ऐसे लेस करके 950 का ट्रांजेक्शन आ जाएगा, ओरिजिनल एंट्री को उल्टा कर दिया करो। नेक्स्ट इज रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश, अब इसमें देखो लिखा नहीं है कि नरेश से चेक मिलने के बाद हमने उसे बैंक में जमा करा दिया कि नहीं कराया, तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो चेक हमने बैंक में डाल दिया, चेक हमें मिला, बैंक बैलेंस गोज अप एंड चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, तो नरेश इज द गिवर, तो नरेश देने वाला पर्सन है, देने वाला है सो क्रेडिट करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँ ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। मैं फिर कहूँगा और हर वीडियो में लगभग कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आपको ठीक लग रहे हैं, आप वीडियो से कन्विंस हो रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि वो भी एक अच्छी पढ़ाई कर सकें। सिंसियरली पढ़ाई करेंगे तो बहुत फ़ायदा होता है लाइफ में, अर्ली एज में शायद हम इन बातों को नहीं समझते, लेटर एज में रियलाइज़ होता है कि यार पढ़ लेते तो ठीक रहता। आसान है पढ़ाई, रूल्स के साथ तो बहुत इजी होती है पढ़ाई, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज नरेश बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसा इन द रुपी रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट इन फुल सेटलमेंट एंड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। आराम से, नरेश इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दैट इज नरेश की फाइनेंशियल पोजिशन ख़राब है और कोर्ट ने उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई आदमी बर्बाद हो गया, और हमें 60 पैसा मिला आउट ऑफ अ रुपी, इसे आप कह सकते हैं 60% अमाउंट हमें मिला, सबको पूरा नहीं मिल पाता, कोई बंदा अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट सबको थोड़ा थोड़ा दिलवाता है। अब नरेश के साथ हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि हमने ऐसे कभी 3800 का सामान बेचा था, आप यहाँ से इसकी हिस्ट्री चेक कर लो, 3800 का हमने इसको सामान बेचा था, उसमें 950 का सामान जिसने रिटर्न कर दिया, उस दिन तो हम दुखी हो रहे थे, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि अच्छा हो, चलो थोड़ा माल वापस आ गया, नहीं तो ज़्यादा पैसा डूब जाता। तो पीछे की तरफ बाकी आपका जो बचेगा वो है 2850 रुपया, उसमें भी आपको याद होगा कि 1000 रुपये की एक चेक आ गई थी, अब हमारा 1850 रुपया अटक गया है, फंसा हुआ है, उसके बाद 1850 हमारा अटक गया है, और अब हमें उसका 60% मिला, ठीक है, तो 60% हमें मिला, देख लेते हैं कितना होता है।
छः इंटू पाँच, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, तीन सिक्स एट ज़ा फोर्टी, फिफ्टी वन, सिक्स वन ज़ा सिक्स एंड फाइव इलेवन, 1110 रुपया। वेल 1110 रुपये हमें मिल पाए, और आप चाहें तो उसका 40% निकाल लें कि 40% पैसा आपका डूब गया। आप गैप भी निकाल सकते हैं कि 740 आपका डूब गया। वेल देखिए कैश हमारे पास आया है, ऑल दो पूरा नहीं पर थोड़ा तो आया ही है, तो कैश आया, डीआर करेंगे, बैड डेट्स डीआर करेंगे, और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, नरेश की वजह से। तो कैश के सामने 1110, बैड डेट्स 740 और ये 1850। रीज़न मैं बता सकता हूँ, कैश इज़ कमिंग सो डी आर, बैड डेब्ट्स इज़ अ लॉस, ऑल लॉस इज डी आर, एंड नरेश इज़ द गिवर। ओके नेक्स्ट, पेड सैलरीज एंड बाय चेक। तो दो चीज़ें इन्होंने जोड़ दी, सैलरी का पेमेंट किया चेक से, बैंक बैलेंस गया नीचे, तो बैंक आएगा जी नीचे, क्योंकि हमने बैंक वाले ट्रांजेक्शन पिछले वीडियो में ही देख लिए थे, सैलरीज अकाउंट डी आर टू बैंक। तो सैलरी तो है एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है डीआर, और मैं तो यूं समझाना पसंद करता हूं कि बैंक बैलेंस जा रहा है वो तो है नीचे, और क्यों जा रहा है वो रीजन आ गया ऊपर। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। तो बैंक हमें सर्विसेज देगा तो ऑब्वियस बात है चार्जेस काटेगा, चार्जेस काटेगा तो वो आपके घर नहीं आएगा, आपके अकाउंट में से पैसा काटेगा, आपके अकाउंट में से पैसा काटेगा तो बैंक बैलेंस गया नीचे, तो बैंक बैलेंस गया नीचे और रीजन हम लिख देते हैं बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस डी आर टू बैंक, ठीक है। एक रूटीन फिक्स कीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा कि वीडियोस में एक फिक्स टाइम पे पब्लिश करूं, और आप जब भी आप पढ़ने बैठे एक टाइम फिक्स कीजिए, यानी आप चलते फिरते चलो देख लेते हैं क्या है, उससे पढ़ाई नहीं होती। देखिए एंटरटेनमेंट वीडियो देखने में और एजुकेशनल वीडियो देखने में बहुत फ़र्क होता है। एंटरटेनमेंट वीडियो आप रात को भी देख सकते हैं, जब आप सोने वाले हों तब भी देखेंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा। एजुकेशन वीडियो देखने के लिए पूरा मन बना के बैठना पड़ता है, आपको एक टाइम टेबल फिक्स करके बैठना पड़ता है। तो जब भी देखें, मैं नहीं कहता कि उसी दिन देखें, जब भी बैठें एक टाइम फिक्स करके बैठें, साथ में एक कॉपी रजिस्टर लेके बैठें, नोट डाउन करें। वैसे ही आ रहा है ओरली समझ में, दैट्स फाइन, नहीं समझ में आता तो नोट करें, वो आपको काम करेगी चीज, वो आपको सिखाएगी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आपके टीचर्स वगैरह सिखाई रहे हैं, नॉट केवल इससे, जहाँ से भी सीख सकते हैं सीखना चाहिए। नेक्स्ट, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। हमने ट्रेड एक्सपेंस पे किया तो हमारा कैश गया, तो कैश इज गोइंग आउट और ट्रेड एक्सपेंस दिया। तो बिजनेस में छोटे मोटे बहुत एक्सपेंस होते हैं, हर किसी का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, तो वी कैन राइट दैट ट्रेड एक्सपेंस, समटाइम वी से जनरल एक्सपेंस, समटाइम वी से सन्ड्री एक्सपेंस, तो इस तरह से। तो आप एक बार एंट्रीज देखिए, कोई नहीं समझ में आई हो आप उसको रिकैप करके देखो, व्हाट्सएप नंबर हम दे देते हैं कभी कभी, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कर दिया करो या कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। चलिए ओके, तो अब आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है, गिव जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ प्रताप सिंह। तो हम जर्नल बना रहे हैं, सबको पता है किसके लिए बना रहे हैं, प्रताप सिंह के लिए। तो दुकान के ओनर कौन है, प्रताप सिंह, ये जैसे मैं बता दूं, ये ओनर और ये है दुकान की। सर हम कौन है, अपन अकाउंटेंट हैं। आप हमेशा अपनी हैसियत समझना, अपन क्या करते हैं, जो भी दुकान में हो रहा होता है उसे ऑब्जर्व करके नोट करते हैं। रिपीट, दुकान में जो भी हो रहा है, जो भी उसे कर रहा है उसे ऑब्जर्व करके नोट करते हैं। किसी को भला लगे बुरा लगे उससे हमें मतलब नहीं होता, हम अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिविटी अपनाते हैं, ठीक है। ये बातें धीरे धीरे समझ आएंगी। देखें क्या हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। तो अभी क्या हुआ, बिजनेस शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसने, इसने अपने घर में से पैसा लगाया और सामान लगाया। किसने सामान कैसे लगाएगा, सपोज करो ये जो है भाई साहब प्रताप सिंह, ये एक फार्मर है, किसान है। इन्होंने एक दिन सोचा, यार मेरे घर पे गेहूं तो पड़ा ही है, मान लो गेहूं व्हीट वो तो पड़ा ही है, और 100,000 रुपए इनके पास कैश पड़ा था, तो उन्होंने क्या किया, दुकान खरीदने के लिए 100,000 रुपए लगाया, दुकान मान लीजिए खरीदने के लिए 100,000 रुपए लगाया, और इनके पास गेहूं की 5 बोरी पड़ी थी वो भी इन्होंने लगा दी। किसान समझ नहीं आ रहा, यूं समझो इन्होंने अपने घर में से जो कैश पड़ा था
वो लगा दिया, इनके घर पे कुछ सामान पड़ा था वो लगा दिया, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो गया, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आया, आया कम्स कम्स डी आर। तो मैं आंसर लिखता हूँ कैश अकाउंट डी आर, स्टॉक अकाउंट डी आर, टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डी आर, स्टॉक अकाउंट डी आर, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ओके। मैं आपको एक अजीब सा एग्जांपल देता हूँ, समझना। देखो एक आदमी है, उसके मन में आया कि मैं जुआ खेलूँगा, तो उसने जुआ खेलने के लिए वो गया कसीनो में गया, और फिर दो घंटे बाद वो निकला, उसके पास डेढ़ लाख रुपए था, 1,50,000 था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बंदे ने कितना कमाया, तो इसके लिए पहले आप मुझसे ये पूछोगे कि ये जब कैसीनो में घुसा था तब ये कितना पैसा लेके घुसा था। अगर मैं आपको बता दूं कि जिस समय ये कैसीनो में घुसा था तब 1,25,000 रुपये लेके एंटर हुआ था, और जब ये अब एग्जिट ले रहा है, जब जा रहा है, तो 1,50,000 रुपये से एग्जिट ले रहा है, तो तुम समझ जाओगे कि 25,000 का प्रॉफिट हुआ। यानी आपको पहले पता होना चाहिए कि कोई बंदा कितने रुपए से एंटर हुआ। तो मैं बता रहा हूँ, प्रताप सिंह इस बिजनेस में, जो कि एक लीगल बिजनेस है, उसमें 1,25,000 से एंटर हुआ। कैश अकाउंट डी आर, स्टॉक अकाउंट डी आर, टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, रोशन लाल परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अस। ओके, जो बच्चे नशे में होते हैं, हाँ, जिन बच्चों को होश नहीं होता, वो यहाँ परचेज देखेंगे और ऐसा कुछ लिखना चले जाएंगे, परचेज अकाउंट डी आर टू रोशन लाल। गलत, रोशन लाल ने सामान खरीदा हमसे, रोशन लाल ने सामान खरीदा हमसे, तो गुड्स गोज उसके लिए परचेज होगा, हमारे लिए सेल है, गोज सी आर। तो ये है सेल का मामला, सेल का क्वेश्चन, तो सेल्स आएगा नीचे, और हमने किस हमसे किसने माल लिया, रोशनलाल ने, रोशनलाल कौन है, रिसीवर। सो रोशनलाल अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अकाउंटेंट का काम है ढंग से ऑब्जर्व करे, ढंग से जो हुआ उसे बताए। तो 9,000 का माल उसने परचेज किया, हमने सेल किया, और क्रेडिट ये सेल है। आगे, जय स्टोर सोल्ड गुड्स टू अस। चूंकि अब यहाँ आप चकमा खा चुके हो तो यहाँ गलती नहीं करोगे। जय स्टोर ने सेल किया हमें, उन्होंने सेल किया, इसका मतलब हमने परचेज किया, परचेज डीआर होता है, परचेज अकाउंट डीआर टू जय स्टोर। उन्होंने सेल किया, हमने परचेज किया, हमें हमारी दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है, और ये हमने 7,000 का सामान परचेज किया है 7,000 का। नेक्स्ट है, पेड कैश टू जय स्टोर 6890 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय देम 110। पेड कैश, हमने कैश दिया, तो कैश गोज गोज क्रेडिट, तो कैश आएगा नीचे, कैश का जो चमचा होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट आएगा नीचे, और हमने कैश किसको दिया है, जय स्टोर को, जय स्टोर रिसीवर, जय स्टोर अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पे कैश में 6890, इसमें 110, 7,000 रुपये का अकाउंट क्लियर हो गया। हमने इनसे 7,000 का सामान खरीदा था, हमने उनको पेमेंट देके निपटा दिया, ठीक है। थोड़ा सा और है, बॉट टेबल फैन फॉर डोमेस्टिक यूज, घर के लिए पंखा खरीदा। अब हम क्या होता हुआ देख रहे हैं कि इस आदमी ने, इसने घर के लिए पंखा खरीदा 5,000 में, तो कैश गया, कैश गया। आप किसी के लिए भी खरीदो, कैश तो गया, तो कैश तो आएगा नीचे, और ऊपर आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डी आर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। इसके पीछे जो रियल रूल लगता है कि ये पंखा किसको मिला, ओनर को मिला, तो ओनर इज द रिसीवर, ओनर इज द रिसीवर, और यहाँ पे हम ओनर नहीं लिखते, उसकी जगह ड्रॉइंग्स लिखते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डी आर टू कैश, ठीक है बेटा।
चलो 5,000 रुपये का पंखा खरीदा, ठीक है। नेक्स्ट, पेड सैलरी 2000 एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 300। सैलरी का पेमेंट हुआ, ट्रेड एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ, आप अब मन में एंट्री बनाना शुरू कर दो। हाँ, सैलरी का पेमेंट हुआ, ट्रेड एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ, तो कैश गया, तो कैश तो आएगा नीचे और ये दोनों आएंगे ऊपर, तो आंसर आ जाएगा सैलरी अकाउंट DR, ट्रेड एक्सपेंसेस DR, टू कैश अकाउंट। धीरे धीरे हम इसी पे आएंगे कि एंट्री को डायरेक्ट बोल पाए, वो भी समझते हुए। सैलरी 2000 रुपया, ट्रेड एक्सपेंसेस 300, कैश के सामने 2300। चलिए जी और सुन लेते हैं। नेक्स्ट इज रिसीव्ड रेंट। रिसीव्ड रेंट तो कोई क्या बोलेगा, रेंट मिला, सही है, इसका हिंदी भी यही होता है, रेंट मिला, बट रेंट यानी हमें पैसा मिला, कैश मिला, तो कैश आया, कैश अकाउंट DR। कोई बच्चा सोचे सर रेंट आया तो रेंट अकाउंट DR, नहीं, रेंट के फॉर्म में कैश आया है, सो कैश अकाउंट DR, और नीचे क्यों आया, रेंट की वजह से। रेंट क्या है, इनकम है, कैश अकाउंट DR टू रेंट अकाउंट। जितना समझ के बनाओगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लास्ट एंट्री है अभी की, रिसीव्ड इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट मिला, अगेन इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट के फॉर्म में कैश आया, तो कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। आप बोर होंगे लेकिन मैं कहता रहूँगा कि आपको हर वीडियो दो बार प्ले करनी है, अगर लेक्चर का कुछ भी हिस्सा आपको कम समझ आया तो वीडियो को दो बार प्ले कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया है।